नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शीरिन। सबसे पहले बुलेटिन में आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं जो कि कर्नाटक से आ रही है, क्योंकि कर्नाटक में सरकार पर संकट बना हुआ है। कांग्रेस जेडीएस सरकार पर जो संकट, हालांकि पिछले काफी दिनों से ये मंडरा रहा था, वो और भी बढ़ सकता है, क्योंकि कर्नाटक कांग्रेस और जेडीएस गठबंधन, कांग्रेस के 6 और जेडीएस के 2 विधायक इस्तीफा देने के लिए स्पीकर के पास पहुंचे हैं। 8 विधायक इस वक्त स्पीकर के कमरे में मौजूद हैं, लेकिन कमरे में स्पीकर इस वक्त मौजूद नहीं है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि कांग्रेस के 4 और विधायक इस्तीफा देने के लिए स्पीकर के पास पहुंचे हैं। तो सीधे तौर पर ये संकट है सरकार के ऊपर, चूंकि विधायक इस्तीफा देने के लिए स्पीकर के कमरे में इस वक्त मौजूद है, इस्तीफा सौंपने वो पहुंचे हुए हैं। हालांकि पिछले काफी दिनों से ये गहमा गहमी, ये संघर्ष वहां पर दिखाई दे रहा था, कांग्रेस और जेडीएस गठबंधन की सरकार है वहां पर, और फिलहाल ये संकट में पड़ती दिखाई दे रही है। इस पर संकट अब और भी ज्यादा इसलिए बढ़ गया है क्योंकि 8 विधायक ऐसे हैं जो स्पीकर के कमरे में मौजूद हैं, और वहां सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि ये सभी इस्तीफा देने के लिए वहां पहुंचे हुए हैं। सीधा रुख करेंगे, हमारे संवाददाता जयपाल हमारे साथ जुड़ गए। जयपाल, पूरी खबर और जानकारी हमारे पास क्या है वहां से? जी देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के 2 विधायकों ने अपने पद से इस्तीफा दिया था, वो कांग्रेस से अलग हो गए थे, और आज ये एक बहुत बड़ा मूव है जब गठबंधन की सरकार के 8 विधायक इस वक्त जो है वो कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर रमेश कुमार के चैम्बर में मौजूद हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि वो सभी विधायक जो है इस्तीफा देकर के आए हैं और ये सिर्फ गठबंधन की सरकार से रियासत से इस्तीफा देना चाहते हैं। हालांकि इस वक्त भी ये स्पीकर हैं रमेश कुमार, वो अभी चैम्बर में मौजूद नहीं है, ऐसे में वो वहाँ बैठ कर के प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके साथ हमें ये भी सूचना दी जा रही है कि यदि और कुछ विधायक जो है वो आकर के इसके साथ सम्मिलित हो सकते हैं, और ये संख्या जो है क्योंकि 12 से 13 हो सकती है। इनमें कुछ कांग्रेस के बड़े विधायक भी हैं, बड़े नेता भी हैं जो पहले यहाँ पर बड़े बड़े पदों पर मंत्री रह चुके हैं, वो भी नाराज हैं, वो भी शामिल हो सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो आप ये समझ लीजिए कि जो गठबंधन की सरकार है वो जो है उस पर संकट के बादल गहरा जाएंगे, क्योंकि उनके पास जो है सुरक्षा बल नहीं हो पाएगा। जयपाल, हालांकि जब से ये गठबंधन की सरकार बनी है तब से ही किसी की नाराजगी, किसी को मनाना रूठना यही सब चल रहा है। अब ये बहुत ज्यादा बढ़ चुका है क्योंकि 2 पहले और अब 8 बताया जा रहा है कि स्पीकर के कमरे में मौजूद हैं। जी बिल्कुल, ये गठबंधन की सरकार बनी है तो सबसे इसके अंदर में जो सबसे ज्यादा जो रोष है जो विधायकों के बीच ये है कि कई वरिष्ठ कांग्रेस के विधायक और कई बड़े नेताओं को जो है इस बार मंत्री पद नहीं दिया गया, और इसको लेकर के हमेशा टकल चलती ही रही है। लगातार ये दबाव बनाया जाता रहा कि उन्हें मंत्री पद में शामिल किया गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि कांग्रेस अध्यक्ष जनता दल सेक्युलर दोनों मिलकर के सरकार को चला रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच में एक कोई तालमेल कहा जाता है वो नहीं है। रह रह करके नाराजगी की खबरें जो है वो मुख्यमंत्री की तरफ से भी आती रहती है और कांग्रेस की तरफ से भी आती रहती है, यानी एक दूसरे के साथ एक मजबूरी में सरकार चल जरूर रही है, लेकिन वो कहीं भी सही तरीके से काम कर पा रही है या एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग दोनों की डेवलप हो पा रही है, ऐसा नहीं हो पाया है। तो ये माना जा सकता है कि जिस तरह से 3 दिन पहले 2 विधायकों ने एक एक करके इस्तीफा दिया था, उसके बाद दूसरे विधायक जो है उनके को भी ये बल मिला है कि शायद अब यही रास्ता रह गया है, और इसीलिए वो आगे आए हैं, और ये संख्या लगता है बढ़ नहीं सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो निश्चित रूप से ये जो कुमार स्वामी की सरकार है वो अभी मत में आ जाएगी। कुमार स्वामी मुख्यमंत्री जो है वो अभी अमेरिका की यात्रा पर है, वो 8 तारीख को यहाँ वापस लौटने वाले हैं, और इस बीच में इतना बड़ा परिवर्तन होना निश्चित रूप से बहुत बड़ा झटका है। और इस बीच में हमें ये सूचना भी मिल रही है कि दिल्ली से कुछ वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जो है स्थिति को संभालने के लिए कर्नाटक आ सकते हैं। जयपाल, ये गठबंधन चूंकि हालात कह लीजिए या मजबूरी कह लीजिए उसके तहत बना था, उसके बाद सरकार बनी जेडीएस और कांग्रेस की, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं रहा, और इस बात के संकेत खुद कुमारस्वामी ने भी दिए थे। एक बार वो बातों बातों में भावुक हो गए थे और उन्होंने कहा था कि इस सरकार को चलाना कितना कठिन है वो बता नहीं सकते। जी बिल्कुल, ये हमेशा जैसा मैंने पहले बोला कि जो ये सरकार चल जरूर रही है, लेकिन इस सरकार के अंदर भी कोऑर्डिनेशन कमेटी है जिसकी अध्यक्षता जो है पूर्व मुख्यमंत्री जो है सिद्धरमैया करते हैं, तो हमेशा इस बात के लिए दबाव बना रहता है मुख्यमंत्री के ऊपर, क्योंकि चेयर कोऑर्डिनेशन कमेटी या कांग्रेस, क्योंकि उनके पास संख्या बल ज्यादा है, तो वो चाहिए जो सरकार जिस तरह से फंक्शन करे वो कठपुतली की तरह करे और वो जो निर्देश दे रहे हैं उसी के अनुसार करे। इसको लेकर के जो मुख्यमंत्री है उनको भी असुविधा होती है,
इसके अलावा जो अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो देखा जाए कि जो सिद्धरमैया हैं वो जनता दल सेकुलर से ही कांग्रेस में आए थे और वो इस वक्त से कांग्रेस में आए थे जब जनता दल सेकुलर में एक तरह से उनको उनका जो वर्ष पद था उस हिसाब से वो उनको जगह नहीं दे पा रहे थे। तो एक जो पुरानी फसल है वो जनता दल सेकुलर के साथ सिद्धरमैया की भी काम में आती है और जो राजनीतिक विश्लेषक जो है विश्लेषक हैं जो मानते हैं कि सिद्धरमैया कभी नहीं चाहेंगे कि ये सरकार इसके पूर्ण गति से चले और यही कारण है कि रह रह करके परेशानियां खड़ी होती हैं जिसका कि जिक्र कई बार मुख्यमंत्री अपने भाषणों में कर चुके हैं। वो पब्लिक सभा में भाषण देते हुए वो रो भी पड़े हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके लिए बहुत मुश्किल है इस सरकार को चला पाना लेकिन बावजूद वो इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को अगर छोटी छोटी चीज़ों को देख लिया जाए तो वो उभर करके अब लगता है कि सामने आ गए हैं। इस तरह से कहा जाए कि जो लोगों का गुस्सा है या जो नाराजगी है वो अब जो है सामने आने लगी है। दो विधायकों ने एक एक करके इस्तीफा दे दिया और उसके बाद ये अब बल मिल रहा है इस बात को और अगर इस तरह से संख्या दल अगर इस्तीफा हो जाता है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने तरफ से स्थगन की करने की मांग करेगी जिसके अंदर में वो इस बात को रख सकती है कि सरकार जो है वो अल्प मत में है ऐसे में बहुमत करार देना चाहिए और इस स्थिति में ये गठबंधन की सरकार को अपना बहुमत पास कर पाना या पार कर पाना मुश्किल होगा। हालांकि ये तो सबको ही पता है जयपाल के वैचारिक मतभेद और अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं जो शुरू से ही हावी हैं दोनों ही पार्टियों पर एक दूसरे को लेकर। लेकिन अभी जो ये 8 विधायक अंदर मौजूद हैं स्पीकर के कमरे में इनसे क्या इन्होंने किसी से कुछ कहा या फिर पार्टी में पहले बात रखी होगी इस्तीफे से पहले नाराजगी को लेकर जिसकी वजह से मना नहीं पाई पार्टी और आज ये वहां मौजूद है? देखिए बिल्कुल इस बात के ऊपर में जो एक विधायक जो रमेश जारकीहोली हैं वो काफी पुराने समय से जो है काफी लंबे समय से जो है कांग्रेस के नाराज कर रहे थे और इन सबों का नेतृत्व अभी वही कर रहे हैं और वो भी विधायकों के पास जो है स्पीकर के चैम्बर में मौजूद हैं। तो जो ये नाराजगी है ये दरअसल कई तरह चीजों को लेकर जिसमें सबसे पहला तो यह है कि इसमें से बहुत से ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जैसे रमेश जारकीहोली को मंत्री बनाया गया था लेकिन इसके बाद इनको ड्रॉप कर दिया गया और उनके भाई सतीश जारकीहोली को मंत्री बना दिया। इसके बाद से वो हमसे नाराज चल रहे थे। इसके अलावा जो है रामलिंगा रेड्डी जैसे जो वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं जो की सरकार में भी मंत्री थे उनको इस बार कोई जगह नहीं मिली है। दूसरी ओर जो विश्वनाथ बीजेपी जनता दल सेकुलर के वो हैं अध्यक्ष रहे हैं उनकी भी नाराजगी है कि सरकार बहुत सारी जगहों पर जो है इस तरह से कॉम्प्रोमाइज करके काम कर रही है जो कि उनको पसंद नहीं आ रहा है। तो इस तरह से कई इतनी ही अनेक मुद्दे हैं इसके लेकर के ये सारी बातें हैं और यही कारण है कि सब जो है अब एक जीत हो रहे हैं और एक अलग धड़ा खड़ा हो रहा है क्योंकि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसके मुताबिक जो विधायक है जो भी है जो विधायक जो है उनको टीका देना जो होता है सभी वो अलग हो सकते हैं पार्टी से ऐसी स्थिति नहीं है इसलिए सभी अलग अलग इस्तीफा देंगे राजपथ से इस्तीफा देंगे और संख्या बल में कमी जाएंगे और संख्या बल में जब कमी होगी तो जो हाउस का कंट होगा उस हिसाब से ठीक है। मैं आपको यहाँ पर रोकूंगी। डॉक्टर वामनाचार्य कर्नाटक बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। वामनाचार्य जी, हालांकि स्थिति इस तरह की बहुत पहले से बनती आ रही थी क्योंकि वहां से जो तस्वीरें जो खबरें आ रही थी वो इसी तरफ इशारा कर रही थी लेकिन अब 8 विधायक ऐसे हैं जो स्पीकर के कमरे में मौजूद हैं। जाहिर है सरकार पर संकट इस वक्त। तो अभी तक इस्तीफा दे चुके हैं। अभी स्पीकर का कहना था कि एक ही कल तक बोल रहे थे एक ही इस्तीफा नहीं पहुंचा उनके पास मगर आज सुबह उन्होंने कहा हाँ हाँ एक इस्तीफा पहुंच गया है। आज और 8 लोग गए हैं टोटल 10 हो गया। सरकार अभी गिर जाएगा इसके बाद में भी और भी 5 लोग इस्तीफा देने वाले हैं उसमें पूर्व मंत्री हैं दो दो बार जो विधायक बने हैं वो हैं और कर्नाटक में जनता दल और कांग्रेस के शासकों को ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सरकार बहुत दिन चलेगा और उनको भी पॉलिटिकल फ्यूचर कांग्रेस या जनता दल में नहीं है। लोकसभा चुनाव में पार्लियामेंट चुनाव में कर्नाटक में कांग्रेस के सिर्फ एक सीट मिला और जनता दल को भी एक ही सीट मिला। लोगों ने जनता दल और कांग्रेस को कर्नाटक से हटा दी है। इसके उधर जो शासक है जी
कर्नाटक बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर वामनाचार्य जी हमारे साथ थे, क्योंकि वहां इस वक्त सरकार पर संकट बना हुआ है और संकट ये है कि 8 विधायक ऐसे हैं जेडीएस और कांग्रेस के जिसके गठबंधन की सरकार इस वक्त कर्नाटक में चल रही है, जो इस्तीफा देने के लिए स्पीकर के कमरे में मौजूद है। हालांकि अभी ये खबर आ रही है कि स्पीकर फिलहाल कमरे में मौजूद नहीं है, लेकिन खबर इसके साथ ये भी है कि कुल 12 विधायक ऐसे हैं जो इस्तीफा दे सकते हैं, 4 और विधायक ऐसे हैं जो इस्तीफा देंगे तो सीधे तौर पर सरकार गिरेगी वहां पर, गिर सकती है जो स्थिति फिलहाल दिखाई दे रही है। और वहां का समीकरण क्या है आपको ये भी हम बताएंगे, वहां जिस तरीके की तस्वीर है, चूंकि सरकार पर सीधे तौर पर संकट है, 224 सीट की विधानसभा में बहुमत के लिए 113 का आंकड़ा चाहिए, 113 की सीटों की जरूरत है, 224 विधानसभा सीटें हैं कर्नाटक में, ये हम आपको वहां की स्थिति बता रहे हैं, जिसमें से बीजेपी के पास 105 सीटें हैं और इसके अलावा कांग्रेस के पास 89, जेडीएस के पास 37 सीटें और 3 अन्य के खाते में हैं। और वहां जब रिजल्ट आया था तो उसके बाद कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर सरकार बनाई थी, दोनों ने बहुमत के आंकड़े को छुआ था, लेकिन अब वहां पर स्थिति बदलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि शुरुआत से ही वैचारिक मतभेद या फिर दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच कलह है, या फिर पार्टी जो विधायक है उनके बीच भी कलह दिखाई दे रही थी, नाराज है पार्टी से दोनों गठबंधन को लेकर, इस तरह की भी खबरें आ रही थी, तो कहीं ना कहीं पार्टी आलाकमान मनाने में शायद असफल रहा है, उनसे बातचीत करने में असफल रहा, जिसकी वजह से अब इस्तीफा, 2 विधायक पहले इस्तीफा दे चुके हैं और अब बताया जा रहा है कि 8 विधायक इस्तीफा देने के लिए पहुंचे अपने इस्तीफे के साथ, और भी संख्या बढ़ सकती है, यानी कि आंकड़ा और भी ज्यादा आगे बढ़ सकता है, विधायकों के इस्तीफा देने का जो सिलसिला है वो अभी और आगे बढ़ेगा, स्पीकर मौजूद नहीं है, लेकिन इस्तीफे का पूरा मन ये 8 विधायक बना चुके हैं और अपने इस्तीफे के साथ स्पीकर के कमरे में मौजूद हैं, तो सीधे तौर पर यहाँ जेडीएस और साथ ही कांग्रेस दोनों के लिए ही ये स्थिति फिलहाल संकट भरी है, क्योंकि सरकार पर सीधे तौर पर संकट है, गठबंधन की सरकार चलाई जा रही है, कुमार स्वामी पहले भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि बहुत मुश्किलों से वो सरकार चला रहे हैं, भावुक भी एक बार हो गए थे, और ऐसे में अब ये देखना होगा कि ये जो इस वक्त स्थिति वहां पर बनी हुई है इसको संभाला जाएगा या फिर नहीं। 8 विधायक इस्तीफे के साथ स्पीकर के कमरे में मौजूद हैं, लेकिन अभी ये सूत्रों के हवाले से खबर है, हमारे संवाददाता जैसे वहां पर जानकारी दे रहे थे कि अंदर से खबरें यही आ रही हैं, लेकिन स्पीकर जैसे ही वहां पर होंगे उसके बाद ये सारी चीजें साफ हो जाएंगी, लेकिन बीजेपी एक बार फिर वही आरोप लगा रही है कि सरकार बनाने की स्थिति नहीं थी कांग्रेस की और न ही जेडीएस की, लेकिन फिर भी दोनों ने मिलकर सारी चीजों को ताक पर रखकर सरकार बनाई वहां पर, लेकिन ये बहुत ज्यादा दिनों की सरकार नहीं है। हालांकि शुरू से ही वो आरोप भी ये लगाते आ रहे थे कि चल नहीं पाएगी ज्यादा दिन सरकार, तो कुमारस्वामी सरकार क्या वाकई अब गिरने जा रही है, क्योंकि जो वहां से तस्वीरें आ रही हैं, विधायकों का इस्तीफा हो रहा है, विधायकों की नाराजगी बहुत पहले से ही है जब से सरकार का गठन हुआ, 8 विधायक स्पीकर के पास हैं इस वक्त मौजूद, उनके कमरे में हैं और अपना इस्तीफा देने के लिए पहुंचे हैं, तो यानी कि पार्टी उन्हें मना नहीं पाई, जो उनकी नाराजगी थी वो दूर नहीं कर पाई, और इसीलिए संकट अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका है कर्नाटक में, और सबसे ज्यादा मुश्किल की बात ये कांग्रेस के लिए भी है, क्योंकि कांग्रेस लगातार अपना जनाधार तो खो ही रही है, अपनी सीटें लगातार खोती जा रही है, और अपने कार्यकर्ताओं को अपने नेताओं को भी अपने से दूर जो जा रहे हैं उन्हें रोक नहीं पा रही, और यहां पर भी ऐसा ही हो रहा है, 8 विधायक जो कि इस्तीफा देने पहुंचे हैं उसमें 6 कांग्रेस के हैं, और 6 के 6 विधायक कांग्रेस के इस्तीफा दे रहे हैं अपना, क्योंकि वहां पर जेडीएस और कांग्रेस की सरकार है, दोनों की अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, और इन्हीं महत्वाकांक्षाओं की वजह से इस सरकार पर संकट के बादल पिछले काफी दिनों से मंडरा रहे थे, जो अब अपने चरम पर फिलहाल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सरकार गिरने का संकट इस वक्त कर्नाटक में है। कर्नाटक में बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, और ये नाम भी हम आपको दिखा रहे हैं जो इस्तीफा दे रहे हैं कर्नाटक कांग्रेस के, शिवराम हिब्बर, रमेश जर की होली भी अपना इस्तीफा लेकर पहुंचे हुए हैं। तो कांग्रेस जेडीएस गठबंधन की सरकार कर्नाटक में क्या गिरने जा रही है, ये एक बड़ा सवाल है आज का कर्नाटक से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस के 6 और जेडीएस के 2 विधायक अपना इस्तीफा देने के लिए पहुंचे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता विजय सोनकर शास्त्री जी इस वक्त हमारे साथ हैं। विजय सोनकर जी, कर्नाटक में सरकार पर संकट है, क्योंकि जेडीएस और कांग्रेस दोनों के ही कुल 8 विधायक इस्तीफे के साथ स्पीकर के कमरे में मौजूद हैं। देखिए, वैसे भी तो वहां पर जो भी सरकार रही है वो सरकार संकट में ही रही है,
वहाँ कोई सरकार तो बनी नहीं है, वहाँ तो गठजोड़ हुआ है, वो तो कोई गठबंधन भी नहीं है बल्कि गठजोड़ है, और गठजोड़ की आयु बहुत शॉर्ट होती है वैसे भी। वहाँ बात बात में लड़ाई झगड़े, उनके इंटरेस्ट के को प्रोटेक्शन नहीं मिलता है तो उसके लिए क्राइसिस, तो ये सब होता ही रहता है। ये तो कांग्रेस पार्टी को या जेडीएस के लोगों को ये समझना चाहिए था कि वो किस तरह की सरकार वक्त चलाना चाहते हैं, कैसे किस तरह की सरकार चलनी चाहिए, जनहित में कितनी ये सरकार है, इसका इसी से अंदाज लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री जब से सरकार बनी है तब से खुद रोता ही रहा है। तो ये सारी चीजें वहां पर चल रही हैं जी। विजय सोनकर जी, अभी थोड़ी देर पहले आप ही के नेता वामनाचार्य जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो कह रहे थे, वो और भी जानकारी दे रहे थे कि कुछ और ऐसे विधायक हैं जो इस्तीफा देंगे, 5 से 6 की संख्या वो बता रहे थे, तो क्या आप लोगों के भी संपर्क में है ये? नहीं नहीं, देखिए ये तो इन लोगों का अपना आपसी मामला है और इस संदर्भ में हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। हम लोग चाहते तो खुद भी हम लोग जिस पोजिशन में थे और मामूली से अंतर से हम लोग पीछे रह गए, लेकिन हमारे नेताओं ने जो निर्णय लिया है वो बिल्कुल स्पष्ट निर्णय है कि हम लोग संवैधानिक तरीके से चाहते हैं कि प्रदेश में सरकार चले। ठीक है, शुक्रिया आपका विजय सोनकर शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए। तो बड़ा संकट कर्नाटक सरकार पर, 8 विधायक इस्तीफे के साथ स्पीकर के कमरे में। लगातार अपडेट इस बड़ी खबर पर आप तक पहुंचाएंगे, एक छोटा सा ब्रेक, लौटते हैं।